प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम एज ऑफ 40 से स्टार्ट हो जाती है दिखना, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब इसे हाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए फ्रेंड्स, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाल आपके काफ़ी अच्छे भी होंगे, बाउंसी होंगे, हेल्दी भी हो जाएंगे। तो इसे कैसे यूज़ करना है, इस DIY को, ये परफेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आप अपने हेयर को ब्लैक कर सकते हो, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ अच्छी कर सकते हो, वॉल्यूम भी अच्छी दे सकते हैं आप अपने बालों के लिए। ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करिएगा जो 100% नेचुरल है दोस्तों, और ये अमेजिंग सा आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को, और इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है और बनाना भी बहुत ही आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे वर्क चालू है। और यहाँ पर आपको लेना है सरसों की खली। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी सरसों के खली को लेते हैं दोस्तों, तो ये मस्टर्ड केक इसे कहा जाता है, इसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही साथ आपके सफ़ेद बालों को ये काला करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस तरह से सरसों की खली आपको लेना है दोस्तों, छोटे छोटे पीसेस में आपको इसको तोड़ लेना है। अब मैं जो इन्ग्रीडियंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये है हमारे पास करी लीव्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें एमिनो एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, जो हमारे सफ़ेद बालों को फिर से रिवर्स करती है, काला करने का काम करती है। और इन दोनों चीज़ों को ही आपको लेना है ताकि आप अपने सफ़ेद बालों को रिवर्स करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। मीन सिर्फ दो चीज़ लेना है, करी पत्ता लेना है आपको और मस्टर्ड केक लेना है दोस्तों। इन दोनों को आपको लोहे की पैन में अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप इसे रोस्ट कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये आपका चारकोल में प्रिपेयर हो जाता है, जो कि आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ते हैं, किसी भी कारण से अगर बालों में कोई भी नमी जैसे खो जाती है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो भी ये बहुत ही सक्सेसफुल रेमेडी है दोस्तों, जिसका यूज़ करने से हम अपने बालों को बचा सकते हैं। काला बाल ही चाहिए अगर आपको, तो फिर ताउम्र के लिए आप इसे यूज़ करिए। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे एक हाथ बाल अगर प्री मैच्योर हुए हैं तो फिर मैं उसे रिवर्स कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लेना है इस तरह से, और मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर इसे कूट रही हूँ, तो आप इसे इस तरह से कुटनी की हेल्प से कूट भी सकते हैं, अच्छी तरह से पाउडर बना सकते हो दोस्तों। हमें यहाँ पे एकदम फाइन पाउडर चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रेनर का हेल्प कर लेंगे, और यहाँ पे स्ट्रेनर के हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से छान करके ले लेंगे, स्ट्रेन आउट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसे स्ट्रेन आउट करते हो दोस्तों, तो ये आपके बालों में फंसे ना, इसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसे स्ट्रेन आउट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसका कलर भी आप देख सकते हो। तो इसे इसका एप्लीकेशन आप 2 से 3 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप एलोवेरा जेल के साथ में इसे यूज़ करें, चाहे आप नारियल के तेल में यूज़ करें, नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, आप तिल के तेल में भी इसे यूज़ कर सकते हो, जिसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन आउट कर लिया, ये हमारे बालों में फंसेंगे नहीं इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो। ये दोनों इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स, आपके बालों को न्यूट्रिशन देंगे, आपके बालों की जो हेयर फॉलिकल अगर डैमेज होने लग गई है तो हेयर फॉलिकल को फिर से ये रिपेयर कर देते हैं, और बाल काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो डैमेज हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग है, बाल अगर बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बाल हेयर फॉल अगर हो रही है तो भी आप इसे यूज़ करिए वाइट हेयर के लिए। तो मैंने आपको ये रेमेडी बताई ही है दोस्तों, आप इसका यूज़ करिए। हफ्ते में 3 बार इसका एप्लीकेशन अपने बालों पर जड़ों पर अप्लाई करना है, जड़ों से ही हमारे बाल जो है वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करते हुए लगाना है आपको, और ये जेट ब्लैक आप देख सकते हो, इस तरह से आपको मिल जाएगा, आपका एक नेचुरल सा ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि कुछ ही मिनटों में और अपने बालों को आप हमेशा के लिए काला, लंबा और घना बना सकते हो। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम्स को भी आप यहां पर रिवर्स कर सकते हैं। छोटी सी DIY हेल्पफुल रही, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करें।